बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं IHO अर्निंग्स। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी FPSC में बहुत ही शानदार जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें पाकिस्तान भर से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बात करें तो फ्रेंड्स, एक नंबर एक पर जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन 17 स्केल की परमानेंट पोस्ट है, जो कि प्लांट ब्रीडर्स राइट्स रजिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में। फ्रेंड्स, इसमें जो है वो क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, सेकेंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कॉमर्स या फिर रेलिवेंट डिग्रीज में आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें एज की बात करें फ्रेंड्स, 22 से 30 साल है प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो एक है। फ्रेंड्स, कोटा वाइज बात करें पंजाब में ओपन मैट में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इस्लामाबाद में होगी। इस तरह फ्रेंड्स, नंबर दो पर जो है वो असिस्टेंट साइंटिफिक एडवाइज़र की 18 स्केल की फ्रेंड्स परमानेंट पोस्ट हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो में है फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स बात करते फ्रेंड्स, इसमें जो है सेकंड क्लास और ग्रेड सी MSc इन नेचुरल साइंस और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में फ्रेंड्स आपके पास है तो फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, इसमें 5 ईयर जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स इसमें। और फ्रेंड्स, इसमें जो एज है वो फ्रेंड्स 25 से 35 साल है प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट भी है। और इसमें फ्रेंड्स नंबर ऑफ जो है वो वैकेंसीज की बात करें तो 5 हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज फ्रेंड्स। इसमें जो है वो पंजाब में ओपन मैरिट पर 2 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, सिंध रूरल में ओपन मैरिट पे 1 है। इस तरह फ्रेंड्स, खैबर पख्तूनख्वा में ओपन मैरिट पे 1 है, बलोचिस्तान में ओपन मैरिट पे 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो फ्रेंड्स वो इस्लामाबाद में होगी। इस तरह फ्रेंड्स, नंबर 3 पे जो है फ्रेंड्स ड्रग इंस्पेक्टर 17 स्केल की परमानेंट पोस्ट है फ्रेंड्स, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट GB मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान में है फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें सेकेंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। उसके साथ फ्रेंड्स 2 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स। इसमें बात करें फ्रेंड्स एज की, 22 से 28 साल इसमें एज लिमिट है। और इसमें भी फ्रेंड्स प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फ्रेंड्स इन सब में है फ्रेंड्स। इसमें इसके अलावा मजीद बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 4 हैं, जो कि फ्रेंड्स गिलगित बल्तिस्तान में ओपन मैट में हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो भी गिलगित बल्तिस्तान में होगी। इस तरह फ्रेंड्स, मजीद बात करें फ्रेंड्स जो है वो इंस्ट्रक्टर इंग्लिश की फ्रेंड्स, जो कि 16 स्केल की टेम्परेरी पोस्ट है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे फ्रेंड्स मेंशन है स्टाफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें जो है वो बैचलर्स डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो है वो इसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड जो है वो 80 वर्ड्स रिक्वायर्ड है और नॉर्मल टाइपिंग स्पीड जो है फ्रेंड्स 40 वर्ड्स रिक्वायर्ड है। और 90% एक्यूरेसी ऑफ एक्चुअल टेस्ट भी इसमें होगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें एक्सपीरियंस भी 2 साल जो है वो रिक्वायर्ड है फ्रेंड्स। इसमें एज की बात करें तो 28 साल है। और फ्रेंड्स, इसमें जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 5 हैं फ्रेंड्स। इसमें जो है वो डोमिसाइल कोटा वाइज बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें पंजाब में ओपन मैट पे फ्रेंड्स 2 हैं, सिंध रूरल में ओपन मैट पे 1 है, खैबर पख्तूनख्वा में ओपन मैट पे 1 है। इस तरह फ्रेंड्स AJK में ओपन मैट पे 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो पूरे पाकिस्तान में आपकी कहीं भी हो सकती है। इस तरह फ्रेंड्स, मजीद बात करते फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की 17 स्केल की फ्रेंड्स टेम्परेरी पोस्ट हैं, जो कि फ्रेंड्स पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एविएशन डिवीजन में है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसमें BE BSc इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में फ्रेंड्स अगर आपके पास है तो फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। एज की बात करें तो 22 से 30 साल है प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फ्रेंड्स इसमें जो है वो दी जाएगी फ्रेंड्स। इस तरह फ्रेंड्स, मजीद बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की तो 2 नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं। और फ्रेंड्स, इसमें मजीद बात करें तो इसमें पंजाब में फ्रेंड्स मिनॉरिटी यानी नॉन मुस्लिम की कोटा में फ्रेंड्स 1 है। इस तरह फ्रेंड्स सिंध रूरल में वोमेन कोटा में 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग फ्रेंड्स बात करें तो एनीवेयर इन पाकिस्तान भर में कहीं भी हो सकती है। इस तरह फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 17 स्केल की टेम्परेरी पोस्ट है फ्रेंड्स, जो कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एविएशन डिवीजन में है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें जो है वो सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HSC वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स 2 साल आपके पास रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें जो है वो एज की बात करें 22 से 30 साल है। और उसके अलावा फ्रेंड्स प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट है। और इसके अलावा फ्रेंड्स नंबर
नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, तीन नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। डोमिसाइल कोटा वाइज बात करें, पंजाब में ओपन मैरिट पे फ्रेंड्स एक है, खैबर पख्तूनख्वा में ओपन मैरिट पे एक है, बलोचिस्तान में ओपन मैरिट पे एक पोस्ट है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। इस तरह फ्रेंड्स असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की फ्रेंड्स जो कि 16 स्केल की टेम्प्रेरी पोस्ट हैं फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे मेंशन है फ्रेंड्स, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एविएशन डिपार्टमेंट में हैं फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स बात करें क्वालिफिकेशन की, और फ्रेंड्स इसमें 3 ईयर्स पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अलावा फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंशन है मैकाट्रॉनिक्स फ्राम रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपके पास है तो फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही जो है इन्होंने 3 साल एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन में जो है वो मांगा है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें मज़ीद बात करें एज की, तो फ्रेंड्स इसमें 22 से 28 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 हैं फ्रेंड्स, और इसमें जो है फ्रेंड्स पंजाब में ओपन मैरिट पे 1 है, सिंध रूरल में ओपन मैरिट पे फ्रेंड्स 1 है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान है। इसी तरह फ्रेंड्स मज़ीद बात करें तो सीड एनालिस्ट की 17 स्केल की परमानेंट पोस्ट हैं फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैंशन है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में है फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर इन मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर इन वन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सीड टेक्नोलॉजी या फिर रेलिवेंट फील्ड में अगर आपके पास है तो फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो है वो मैक्सिमम जो एज है फ्रेंड्स 32 साल है, प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट। उसके अलावा फ्रेंड्स नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 है, और फ्रेंड्स वो जो है वो सिंध रूरल में वोमेन कोटा में है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान है। इसी तरह फ्रेंड्स मज़ीद बात करें तो फ्रेंड्स डेंटिस्ट की 17 स्केल की परमानेंट पोस्ट हैं, जो कि फ्रेंड्स एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एविएशन डिवीजन में है फ्रेंड्स। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें BDS और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय PMNDC से, और उसके अलावा फ्रेंड्स 1 ईयर्स हाउस जॉब एक्सपीरियंस मांगा गया है फ्रेंड्स। साथ इसमें एज की बात करें फ्रेंड्स 22 से 30 साल है, उसके अलावा फ्रेंड्स प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट है फ्रेंड्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें फ्रेंड्स इसमें 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जो कि फ्रेंड्स डोमिसाइल कोटा वाइज बात करें फ्रेंड्स पंजाब ओपन मैरिट में 1 है, सिंध रूरल ओपन मैरिट में 1 है। इस तरह फ्रेंड्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है फ्रेंड्स। इसमें जो है जनरल गाइडलाइंस की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि फ्रेंड्स आपने FPSC यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट के जरिए करना है फ्रेंड्स, जो वो यहाँ पे मेंशन है www.fpsc.gov.pk, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें ये सारी आपने इंस्ट्रक्शन रीड कर लेनी फ्रेंड्स। इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर बताया गया है फ्रेंड्स, जो 16 स्केल से लेकर 17 स्केल तक के लिए फ्रेंड्स जो आप पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए फ़ी जो है वो 300 है। इस तरह फ्रेंड्स 18 स्केल के लिए जो फ़ी है फ्रेंड्स वो 750 है, 19 स्केल के लिए 1200 है। इस तरह फ्रेंड्स जो 20 जिनके 20वें स्केल से ऊपर वाले पोस्ट हैं उनके लिए फ्रेंड्स 1500 फ़ी है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें लास्ट डेट की बात करें तमाम जॉब्स में तो फ्रेंड्स वो है 18 अक्टूबर 2021 है फ्रेंड्स। बात करते हैं कि इन एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई कैसे करना है इन जॉब्स में और इनको देखना कैसे है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपने जो है वो डायरेक्टली गूगल पे आ जाना। गूगल पे आने के बाद फ्रेंड्स आपने FPSC टाइप करना है तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से रिजल्ट शो हो जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ से आपने फर्स्ट वाले जो रिज़ल्ट है FPSC वाले पे क्लिक कर लेना, तो फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट फ्रेंड्स ओपन हो जाएगी फ्रेंड्स। इसमें जो है वो आपने नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो न्यूज़ वाला जो बॉक्स है फ्रेंड्स आपने इस पे फ्रेंड्स व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना, तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह साइट ओपन हो जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स आपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2021 है फ्रेंड्स, आपने इस पर क्लिक करना, तो फ्रेंड्स आपके सामने जो है कुछ इस तरह से फ्रेंड्स इनकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंड्स ओपन हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपने इस एडवर्टाइजमेंट को देख लेना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2021 पे, तो फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह साइट का ओवरव्यू ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स। आपने यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट को देखना है तो क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ से एडवर्टाइजमेंट ऐसे ओपन हो जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपने जो है वो चलान फॉर्म डाउनलोड करना है तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर क्लिक हेयर करना है, तो फ्रेंड्स आपके सामने ये चलान फॉर्म इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके अलावा फ्रेंड्स मज़ीद बात करें तो फ्रेंड्स ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है, तो फ्रेंड्स आपके सामने जो है कुछ इस तरह से साइट ओपन हो जाएगी फ्रेंड्स। यहाँ से आप जिस
पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लेना। बिलफर्ज हम जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन में अप्लाई करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, उसके लिए फ्रेंड्स उसकी ए टू जी इन्फॉर्मेशन आ गई है फ्रेंड्स, ये जो ग्रेड है 17 है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जॉब स्टेटस चेक करें, परमानेंट है। उसके अलावा फ्रेंड्स एलिजिबल जेंडर जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पे लिखा है बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। इस तरह फ्रेंड्स एज जो है वो मैक्सिमम एज जो है फ्रेंड्स 22 है, मैक्सिमम फ्रेंड्स एज जो है वो 30 है, मिनिमम एज लिमिट फ्रेंड्स वो 22 है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स मजीद फ्रेंड्स यहाँ से आपने ए टू जी सारी इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी रीड कर लेनी है, यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है वो अपनी फर्दर इन्फॉर्मेशन CNSE नंबर देना है फ्रेंड्स, उसके अलावा डेट ऑफ फी डिपॉजिट इन बैंक वो देनी है यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स उसके अलावा फ़ी डिपॉजिट RS फ्रेंड्स जो इसकी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, एडवर्टाइजमेंट में से देकर बैंक का नेम सेलेक्ट करना है। फिर इसमें फ्रेंड्स बैंक ब्रांच एंड कोड आपने यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा फ्रेंड्स बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट वो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स उसके अलावा आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे के या कैप्चा कोड यहाँ पे लिख के प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करके फ्रेंड्स आपने इसमें अप्लाई कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये थी आज की आने वाली FPSC यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानब से जॉब्स फ्रेंड्स, जिसमें जो है वो पाकिस्तान भर से फ्रेंड्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को एक अच्छा रोज़गार अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।